अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, किसके भरोसे रहूंगी? जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए तो मैं यहाँ नहीं। माँ अपने बेटे की बेगुनाही के लिए फूट फूट कर रो रही है, अपने आंचल फैलाकर अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांग रही है। लेकिन सियासत की बलि चढ़ चुका परिवार अब सियासतदानों के निशाने पर आ गया है। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार पर सियासी पारी खेलते हुए राजस्थान के कोटा से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को गिरफ्तार किया गया और बिहार लाया गया। ओसामा शाहब की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ बिहार में सियासत तेज होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ ओसामा की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शाहब का एक वीडियो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में ओसामा शाहब की मां हीना शाहब अपने बेटे की सलामती की दुआ करती हुई नजर आ रही है। हीना शाहब अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही है। हीना शाहब ने रोते हुए अपने बेटे ओसामा शाहब को रिहा करने की बात भी कही और कहा कि मांग उजड़ने के बाद अगर गोद उजड़ जाए तो क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशा, दिक्कत आप देख रहे हैं। आप बिहार के सिवान से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सोमवार की देर शाम हुई और अब बिहार पुलिस के कब्जे में ओसामा शाहब है। आपको बता दें कि ओसामा शाहब को कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि शांति भंग करने के आरोप में ओसामा को गिरफ्तार किया गया। ओसामा अपने दो साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से जा रहा था। पूछताछ की गई तो पुलिस ने कोई शक के आधार पर ओसामा शाहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में भारी भूचाल आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी ओसामा शाहब की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं ओसामा शाहब की मां का बेटे के लिए रो रो कर इस वक्त जो है बेहद बुरा हाल है। वीडियो देखिए आप। अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, किसके भरोसे रहूंगी? जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपको बता दें कि ओसामा शाहब की मां हीना शाहब का ये वायरल हो रहा वीडियो पिछले साल का है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मां हीना शाहब अपने बेटे पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर रोती बिलखती हुई अपने बेटे की बेगुनाही की बात कह रही है। दोस्तों, बिहार के बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी राजनीति और सियासत का सिलसिला लगातार जो है बिहार में जारी है। किसी वक्त पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की सियासत में शहाबुद्दीन को मसीहा कहा जाता था। शहाबुद्दीन के नाम पर बिहार की राजनीति झमकाई जाती थी और अपने जो है फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है, तो उन्हीं के परिवार पर अपनी सियासत की बलि चढ़ाया जा रहा है एक मां को। इस पूरे मामले पर लालू और तेजस्वी की चुप्पी साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि आखिर कैसे ओसामा शाहब को सियासत के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। सियासत के रंग में रंगे लालू और तेजस्वी आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ओसामा को निशाना बना रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अब जो है ओसामा शाहब एक के बाद एक तेजस्वी पर निशाने साध रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक राजनीति के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद से लगातार जो है ओसामा साहब अपने पिता की विरासत को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमेशा ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जो है मुंह मोड़ा है ओसामा साहब से, उनकी चुप्पी, उनकी ना कुछ बोलने वाली बातें ये बता रही है कि अपनी राजनीति के लिए किस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और ओसामा साहब को जो है राजनीतिक रंग देने के लिए किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस वीडियो पर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। Thank you.